नमस्कार, जेएनएन न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। कंधाई थाना क्षेत्र में नहीं थम रहा है अपराध का ग्राफ। आए दिन बदमाश दे रहे हैं घटना को अंजाम। पुलिस अपराध कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है। जनपद प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने युवक के ऊपर की फायर, बाल बाल बचा युवक। कंधाई थाना क्षेत्र में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद है और पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने में एकदम नाकाम साबित हो रही है। कंधाई थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति अपने साथी से बात कर रहा था कि तभी बाइक सवार बदमाशों ने फायर झोंक दिया, जिसमें दोनों लोग बाल बाल बच गए और बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए घटना स्थल से भाग निकले। पीड़ित ने इसकी सूचना तत्काल कंधाई थाना पुलिस को दी। सूचना के आधा घंटा बाद मौके पर पहुंची पुलिस। पीड़ित ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ तहरीर दिया है। घटना शाम करीब 6 बजे कंधाई थाना क्षेत्र के पास की बताई जा रही है। आइए देखते हैं प्रतापगढ़ ब्यूरो चीफ मुजम्मिल। पल्सर गाड़ी थी तो ललन है, निवासी चकमजानी थी। थाना कदाई था। तो घटना कैसे हुई आपके साथ? ये घटना में मेरी ये सब्जी मिल की दुकान है। कहाँ पे? मार्ग पुलिया के पास रखा रोड पे। रखा रोड पे ठीक, यही तो दुकान है, यही पे हम इसमें बात कर रहे थे जी। और बाइक सवार आए, मुँह बांधे हुए थे और बस दो फायर किए। किधर से आए? कढ़ाई की तरफ से गए। कढ़ाई से रखा रोड पे। ठीक है, गए हाँ। और फायर की, फायर करते हुए गाली देते हुए निकल गए। तो न तो आप गाड़ी पहचान पाए? कौन सी गाड़ी रही? गाड़ी पल्सर। पल्सर गाड़ी थी, दो बैठे थे। दो बैठे थे, मुँह बांधा हुआ था। फायर किए? हाँ, फायर किए। दो फायर हमारे ऊपर। और मामा अच्छा, कारतूस बरामद है? दोनों बरामद है। अच्छा, लेके आए जैसे साहब, लेके आए हैं। एप्लीकेशन आप दे दिए थाने पे?